press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारतीय दूरसंचार ऑपरेटर्स 5G तकनीक को लॉन्च करने और अपने ग्राहकों तक 5G सर्विस को पेश करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अफोर्डेबल सर्विसेज और कॉस्ट एफिशिएंट नेटवर्क लॉन्च करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में 26 GHz स्पेक्ट्रम को शामिल करने का अनुरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने ट्राई से आग्रह किया है कि वह 26 GHz स्पेक्ट्रम बैंड का उचित मूल्य निश्चित करे ताकि इसे 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के समय लाया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसका बड़ा कारण है भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन। अगर कोरोना वायरस लॉकडाउन नहीं होती तो सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी साल करती। स्पेक्ट्रम नीलामी के 2 से 3 महीने के अंदर जियो अपने 5G टेक्नोलॉजी को लाता, क्योंकि जियो ने यह वादा किया था कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन के 2 से 3 महीने के अंदर वो अपना 5G सर्विस शुरू कर देगी। साथ ही साथ 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में दूरसंचार कंपोनेंट्स निर्माता JT और Huawei का भी भागीदारी अभी स्पष्ट नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अभी 3.3 GHz से 3.6 GHz स्पेक्ट्रम 5G के लिए रिजर्व कर लिया है। टेलीकॉम कंपनियां 26 GHz स्पेक्ट्रम 5G ऑक्शन में शामिल करने का अनुरोध तो कर रहे हैं, परंतु डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस बात पर स्पष्ट नहीं है कि 26 GHz स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में शामिल किया जाएगा या नहीं। हालांकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यह प्लान कर रहा था कि 400 यूनिट्स 26 GHz स्पेक्ट्रम और 100 यूनिट्स 3.5 GHz स्पेक्ट्रम 5G नेटवर्क ट्रायल्स में सम्मिलित किया जाएगा। बता दें कि रिलायंस जियो आक्रामक तरीके से भारत में 5G सर्विस लाने के लिए अपनी दिशा में काम कर रहा है। हालांकि जियो की तुलना में अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स उतने उत्सुक नहीं हैं, परंतु माना यह जा रहा है कि 2022 की शुरुआत में 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दिया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी 2021 में 800 MHz, 900 MHz, 700 MHz, 1800 से 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 से 3400 मेगाहर्ट्ज और 3400 से 3600 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम सम्मिलित किए जाएंगे। वर्तमान समय में मौजूद 4 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में से 5G लॉन्च के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित रिलायंस जियो है। बाकी टेलीकॉम कंपनियां अभिरुचि तो दिखा रही है, परंतु वे 5G ट्रायल्स अभी शुरू नहीं किया है। इसलिए कहा यह जा सकता है कि चारों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में से जियो ऐसी पहली कंपनी होगी जो भारत में सबसे पहले 5G सर्विस लाएगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।